शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पे वेलकम। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे रेजिस्टर्स, इन रेजिस्टर्स की वैल्यू। मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि मीटर से फाइंड करके बताई थी, लेकिन हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम रेजिस्टर्स की वैल्यू बाय कलर कोडिंग किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड वैल्यू बाय कलर कोडिंग। कलर कोडिंग होती है रजिस्टर के ऊपर, तो उसके ज़रिए से इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हम रजिस्टर्स को कहाँ भी यूज़ करते हैं, रजिस्टर की एप्लीकेशन क्या होती है, हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दोबारा मत भूलिएगा, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो आप इसको देखें। तो इस टेबल में मैंने लिखा हुआ है, ये कलर लिखे हुए मैंने, ये इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। हर कलर की एक वैल्यू होती है हमारे पास। ये मैंने इनके सामने वैल्यू लिखी हुई है, इनको एक अरेंज कर लिया। और इस वाले कॉलम में मैंने इनके हर कलर का फर्स्ट लेटर लिख लिया इधर मैंने, ठीक है। ये मैं आपको एक तरीका बताऊँगा आपने इसको किस तरह याद करना है, कि मतलब ये कलर कोडिंग किस तरह आपने याद करनी है कि किस कलर की क्या वैल्यू है, सबसे पहले कौन सा कलर है, किस तरह आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं याद करने के, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इस तरह है कि आपने अगर याद करना है ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, या आपने देखना है फिर येलो आता है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, और फिर ग्रे, और ये वाइट। इस तरह हम तरतीब याद करें। तरतीब याद करने के लिए मैंने एक लिखी है बात यहाँ पे, सेंटेंस मतलब बोल लिखा मैंने यहाँ पे, ब्लैक बॉयज रन ओवर येलो ग्रेप्स बट वायलेट जनरली विंस। मतलब लोग डिफरेंट तरीके से याद करते हैं, बीप गायर या वो सॉरी बीबी रॉय या इस तरह कोई डिफरेंट मतलब भी होते हैं इसको याद करने के लिए, डिफरेंट होती है, लेकिन ये ज़रा फनी सा है तो मैंने इसलिए ये लिख दिया ताकि आपको मतलब याद करने में आसानी हो। ब्लैक बॉयज, आप ये सेंटेंस याद कर लें, आपको ये कॉलम खुद ब खुद याद हो जाएगा, ब्लैक बॉयज रन ओवर येलो ग्रेप्स बट वॉयलेट जनरली विंस। आपको बस ये सेंटेंस आपको याद करना है। आपने ये याद कर लिया अगर ब्लैक बॉयज रन ओवर येलो ग्रेप्स बट वॉयलेट जनरली विंस, तो ईज़िली ये देखें, ब्लैक पहला ब्लैक कलर आ जाएगा, फिर आपके पास है बॉयज ब्राउन, फिर रन, इससे आपको पता चला नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास रेड आएगा, उसके बाद जो कलर है, फिर आगे ओवर है, ओवर का पहला ओ लें, ये ओ मैं लिया था तो इसका मतलब ऑरेंज, थर्ड मतलब इसके इस नंबर पे ये ऑरेंज आएगा फोर्थ नंबर पे, उसके बाद है येलो, येलो का पहला देखें बाय, ये तो येलो येलो कलर ही बन रहा है, इसका पता चल जाएगा येलो आना उससे नेक्स्ट वर्ड। आगे ग्रेप्स लिखा हुआ है, ग्रेप्स क्योंकि ग्रीन कलर के होते हैं तो इससे आपको जी से भी अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे ग्रीन कलर आना। फिर बट है, बट का पहला बट देखा तो ये ब्लू कलर बनता है बी से, बी ये पहले भी आ चुका है ब्लैक में, बॉयज़ में भी, और यहाँ पर बी आ रहा है, तो इसका आपने ये पहले ये याद रख लेना कि पहले ब्लैक आता है कलर, फिर ब्राउन है और ब्लू बाद में आना है, ठीक है। तो जो बट है इसका पहला क्या है वर्ड बी, तो बी से क्या हो जाएगा ब्लू आ जाएगा, फिर वॉयलेट है, वॉयलेट ये भी कलर का नाम ही तो सेम ही आ जाएगा, वॉयलेट आ गया। जनरली है तो उसका पहला वर्ड आप देखें जनरली है, ग्रीन है, जी है, तो जी से क्या बनता है ग्रे, ग्रे आ। और विन है, विन का पहला वर्ड देखें आप डब्ल्यू, ये पहला वर्ड मैंने देखा और ये हमारे पास वाइट लिख दिया। मतलब आपने ये सेंटेंस याद करना है, ब्लैक बॉयज रन ओवर येलो ग्रेप्स बट वॉयलेट जनरली विंस, ये मैंने लिखा है, आप किसी भी तरह अपने तरह कोई भी सेंटेंस बना के याद कर लें और इसको इस तरतीब से आप लिख लें। उसका पहला वर्ड आपने देखना है ब्लैक बॉयज रन ओवर येलो ग्रेप्स बट वॉयलेट जनरली विंस, तो ये आपके पास खुद ब खुद ये इसी तरह आप कलर लिख लें, ये आपने देख लेना, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये इसी तरतीब में नाम लिख लेने कलर से, जब कलर से नाम लिख लेने हैं तो यहाँ पे उनके सामने वैल्यू लिख लें, ये टेबल आप खुद से बना सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि वैल्यू आपने जीरो स्टार्ट करनी है, ये नहीं करना कि यहाँ पर वन लिख दें, ब्लैक की वैल्यू वन होती है, टू, थ्री, फोर, ये आपने जीरो से स्टार्ट करनी है। ब्लैक की वैल्यू जीरो से लेकर नाइन तक आप काउंटिंग लिख दें हर नंबर के आगे, जीरो से लेकर नाइन तक, तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि किस नंबर की क्या वैल्यू है। अब ब्लैक की वैल्यू क्या है, जीरो, ब्राउन की वैल्यू वन होती है, रेड की टू होती है वैल्यू, ऑरेंज की वैल्यू थ्री होती है, येलो की फोर होती है, ग्रीन की फाइव, ब्लू की सिक्स, वॉयलेट की सेवन, ग्रे की एट, और वाइट की वैल्यू क्या होती है नाइन हमारे पास। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड किस तरह करनी है कलर कोडिंग। ये तो हमने ये मैंने आपको याद करने लिख बताया कि किस कलर का क्या कोड होता है, आप वैसे ही याद कर सकते हैं अगर ज़्यादा आप रट्टा लगाना कि येलो का फोर होता है,
ब्लू का सिक्स होता है। अगर आप इंटेलिजेंट है ज़्यादा वो कर सकते हैं तो आप इजीली इस तरह में याद कर लें, अगर नहीं होता आपसे याद तो फिर आप ये टेबल की सुरंग सेंटेंस याद करें और इस तरह ये कलर्स लिखें इस कॉलम में और उस कॉलम अगले कॉलम में 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखें भर उसकी कलर की आपको वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें अपने फाइंड कैसे करनी है, मैं आपको एक रजिस्टर दिखाता हूँ। हर कलर रजिस्टर्स के ऊपर 4 बैंड्स बने होते हैं कलर के, ये मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ इस पर। यह आप देख रहे हैं कि पहला इसका जो बैंड है वो इस साइड से स्टार्ट करते हैं, पहला ब्राउन बैंड है, नेक्स्ट वाला ब्लैक है, थर्ड वाला क्या है रेड कलर का है, और जो लास्ट इसका बैंड है वो हमारे पास है गोल्डन कलर का। जो ये लास्ट वाला बैंड होता है ये हमें बताता है रेजिस्टेंस की टॉलरेंस, मतलब कि इसमें कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है, ये रेजिस्टेंस परफेक्ट नहीं होती, मतलब इसके ऊपर जितनी वैल्यू लिखी हुई है ना ये परफेक्ट उतनी रेटिंग की रेजिस्टर ही उतनी रेटिंग का नहीं होता, थोड़ी बस में मतलब ऊपर नीचे वैल्यू होती है। तो ये जो लास्ट वाला बैंड होता है ये हमें बताता है कि हमारे पास कि इस रेजिस्टर के अंदर कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है, मतलब कितनी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब जितनी इसके है उससे कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। अब इसका फाइंड करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं जो एक साइड तो गोल्डन होगी या फिर सिल्वर होगी, ये हमारे पास टॉलरेंस बैंड होता है, तो आपने उसकी दूसरी तरफ से स्टार्ट कर लेना है। पहला बैंड क्या है हमारे पास ब्राउन, तो ब्राउन की यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे सॉरी ब्राउन की वैल्यू यहाँ पे 1, तो हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। ये मैं नीचे करता हूँ। हमारे पास कलर कौन कौन से हैं, पहला हमारे पास मैंने आपको दिखाया कलर साइड ब्राउन है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हमारे पास कलर आता है, उसके बाद ब्लैक था हमारे पास, ये रजिस्टर के ऊपर ब्लैक है, फिर उसके बाद हमारे पास है रेड कलर है, और लास्ट में हमारे पास गोल्डन कलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रजिस्टर का कलर है, ठीक है। तो अब इसकी हमने वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, अब मैंने जैसा आपको बताया ब्राउन की वैल्यू क्या आती है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। सेकेंड क्या है सॉरी ब्राउन की वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब सेकेंड हमारे पास कलर क्या है ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास ब्लैक की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। अब थर्ड हमारे पास क्या है, अब थर्ड में थोड़ी सी हमने चेंजिंग करनी है, थर्ड वाले कलर में थर्ड हमारे पास कलर है रेड, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास रेड की वैल्यू है 2, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे 2 नहीं लिखना, यहाँ पे 2 है ना जो जितनी भी यहाँ वैल्यू होगी उतने हमने यहाँ पे 0 डाल देने आगे, मतलब थर्ड कलर के ऊपर। जो पहले 2 कलर होते हैं उसकी तो हम ये बताते हैं कि ये जो उनका मतलब उनका वैल्यू होगी वही हम लिख लेंगे। पहले ब्राउन की थी 1, 1 ने 1 लिख ली, ब्लैक की वैल्यू थी 0 हमने 0 लिख ली। अब थर्ड जो कलर थर्ड बैंड होगा ना हमारे पास उसकी हमें थोड़ी थर्ड बैंड में ये चेंजिंग होती है कि उसकी जो वैल्यू होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब यहाँ पर रेड है, रेड की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 0 लिखेंगे ना कि यहाँ पर हम खाली 2 लिख दें, खाली 2 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, 2 0 लगा दिया हमने, ठीक है। और ये हमारे पास थर्ड बैंड है, ये हमारे पास है गोल्डन, ये मैं बताता हूँ टॉलरेंस कि इसमें कितनी चेंजिंग आ सकती है इसकी वैल्यू में 5% गोल्डन है ना, तो ये 5% हो जाएगी इसकी, मतलब 5% इसकी में फ्लक्चुएशन आ सकती है, ऊपर नीचे वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये दूसरा रजिस्टर लेता हूँ मैं, इसके अंदर ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे कलर कुछ इस तरह का, पहला ब्राउन है मैंने इसको इस तरह पकड़ा हुआ है, इस साइड पे गोल्डन है ना तो हम उसके ऑपोजिट साइड से कलर को देखेंगे, पहला इसका में ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है, थर्ड ऑरेंज है, तो हम कलर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब पहला हमारे पास क्या है ब्राउन, तो ब्राउन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है तो 1 लिख लेंगे हम, और सेकेंड हमारे पास कलर क्या है ब्लैक, तो ब्लैक की वैल्यू क्या आती है 0, तो हम 0 लिख लेंगे। थर्ड हमारे पास कलर क्या है ऑरेंज, तो ऑरेंज की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, ऑरेंज की वैल्यू है 3, तो अब हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे ना, 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 0s लगाएंगे यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे ऑरेंज वैल्यू 3 है क्योंकि थर्ड कलर है ना, थर्ड कलर का मैंने जैसे आपको पहले यहाँ पे बताया कि हम थर्ड कलर के वैल्यू नहीं लिखते बल्कि उतने 0s यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब 3 ऑरेंज की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, 3 0 आगे हमारे पास गोल्डन कलर है तो आगे हम प्लस माइनस 5% कर देंगे, और ये हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी कि ये कितने ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर ये यूनिट लगा देता हूँ मैं ओम, ठीक है। तो इसको अगर आप किलो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको इस तरह कर लो, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 किलो ओम, ठीक है। तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बताता हूँ, ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, इसका फर्स्ट जो कलर है वो है
इसका जो फर्स्ट कलर है वो है ब्राउन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ब्लैक, और थर्ड पे इसका जो कलर है वो है येलो, और जो लास्ट वाला बैंड है वो है गोल्डन। तो आप लोग बताएं कि इस रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आप मेरी वैल्यू फाइंड करें और मुझे कमेंट में इसकी वैल्यू बताएं। ये आपका मतलब एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको, ये आप टेबल में आपको मैं दिखाता हूँ, चाहे आप यहीं पर देख के बता दें कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। मुझे आप ये इसकी वैल्यू बना के कमेंट में बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस रजिस्टर कितने ओम का ये रजिस्टर है मेरे पास, ये वाला जिसके मैंने ये कलर लिखे हैं, ब्राउन है फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड ब्लैक है, थर्ड येलो है और बाद में गोल्डन। गाइस एक चीज़ आपने इसमें नोट की होगी कि जब हमने पहले मीटर पे नोट की थी इसकी वैल्यू इस रजिस्टर की, तो वो एक्यूरेट नहीं आ रही थी। अगर 1K का रजिस्टर था तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आ रही थी। तो इसी तरह हमने 10K का रजिस्टर देखा था, उसके बाद 100 किलो का रजिस्टर देखा था, तो उनकी वैल्यूज एक्जैक्ट नहीं आती, एक्यूरेट नहीं आती, बल्कि थोड़ी बहुत कम थी वैल्यूज़। तो यही वजह है, तो जो मैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि गोल्डन जो बैंड होता है वो हमें बताता है कि टॉलरेंस बैंड होता है वो हमें बताता है कि किसमें कितनी इसकी वैल्यू में चेंजेस आ सकती है। जो रजिस्टर कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एग्जैक्ट उसी वैल्यू का नहीं होता जो उसको मैंशन होती है, बल्कि उससे थोड़ी बहुत वैल्यू कमी ज़्यादा हो सकती है। तो यही वजह थी जो हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने मीटर से फाइंड की थी इसकी वैल्यूज़, तो उसमें वैल्यूज़ थोड़ी सी कम आ रही थी, तो उसमें यही वजह थी, ठीक है। अब जल्दी से हम इसकी एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं रजिस्टर की। एप्लीकेशन देख लेते हैं, मैं ज़रा शॉर्ट कर लूँगा, टाइम क्योंकि ज़्यादा हो गया वीडियो का, तो मैं जल्दी से हल्का हल्का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका। एप्लीकेशन में इसमें क्या होती है कि रजिस्टर हम अक्सर यूज़ करते हैं कि करंट को, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसकी ये करंट को अपोज करता है, मतलब करंट के फ्लो को रोकता है। तो करंट के फ्लो में जो रुकावट होती है उसको हम बोलते हैं रजिस्टेंस। तो ये रजिस्टर जो होता है इसका बेसिक जो काम होता है वो करंट के फ्लो को कम कर देता है। जितनी हम ज़्यादा रजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो करंट हमारे पास उतना कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी है, ये मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं एक LED चलाना चाहता हूँ इसके साथ, LED मतलब यहाँ बल्ब है मेरे पास जो कि 3 वोल्ट की वैल्यू है, यहाँ मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है और मैं 3 वोल्ट का बल्ब इस पर चलाना चाहता हूँ, तो ऐसे मैं डायरेक्टली लगाऊंगा तो ये तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, उड़ जाएगा। यहाँ LED है तो ये उड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। 9 वोल्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जितनी फोर्स मतलब वोल्टेज मैं ज़्यादा अप्लाई करूँगा उतना करंट इसमें ज़्यादा पास होगा। जब इसमें ज़्यादा करंट पास करेगा तो मतलब ये 3 वोल्ट तक फोर्स बर्दाश्त कर सकती है LED या जो बल्ब मैंने लगाया। तो अगर यहाँ से करंट जैसे ज़्यादा पास होगा तो ये हमारे पास LED जल जाएगी, क्योंकि करंट इसमें इसकी रेटिंग से ज़्यादा पास हो जाएगा। तो इसको हम चाहते हैं कि हम 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ये 3 वोल्ट की LED या बल्ब चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसके अंदर रजिस्टर लगा देंगे। यहाँ पे हम जब रजिस्टर लगा देंगे सर्किट के अंदर सीरीज़ में लगा देंगे, तो क्या होगा, करंट यहाँ पे ये करंट को रोकेगा, ये रजिस्टर मतलब करंट का फ्लो को कम करेगा। ये करंट का फ्लो कम कर देगा तो ऑटोमेटिकली इसमें से करंट कम फ्लो होगा, जब इसमें करंट कम फ्लो होगा तो ये जलेगा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक रजिस्टर यूज़ करनी पड़ती है, ये नहीं अगर हमने 9 वोल्ट है ना तो हमने इसको 3 वोल्ट का यूज़ करना है, तो इसके ऊपर हम स्पेसिफिक फॉर्म का रजिस्टर यूज़ करेंगे। तो मैं इसकी दूसरी डायग्राम बना देता हूँ, ये मैंने ले लिया 9 वोल्ट, ये हमारे पास बैटरी आ गई, इसके अंदर मैंने ये रजिस्टर लगा दिया, ये तकरीबन आप लगा सकते हैं 800 ओम का लगा दें या एक 1K का लगा दें तो वो भी चल जाएगा। तो ये आप 3 वोल्ट की इसकी यहाँ इसके ऊपर है या 4 वोल्ट की LED आप चला सकते हैं ईजीली। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगी बैटरी, सॉरी ये LED या जो बल्ब लगाएंगे बर्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा हमारे पास ये बर्न नहीं होगा बल्कि ग्लो करेगा ये, ठीक है। यहाँ पर शायद ग्लो करेगा वैसे, लेकिन बहुत एकदम ये काफ़ी तेज़ ग्लो करेगा और फिर बंद हो जाएगा, मतलब जल जाएगी LED, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये नहीं चलेगी। इसमें अब मैंने आपको बता दिया करंट यहाँ पे मतलब वो हो जाता है कि करंट को ये रोक देता है, और इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि ये जो रजिस्टर होता है इसके अंदर वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है, मतलब सीरीज सर्किट होता है, पहले सर्किट होता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में भी समझा दूँगा कि हम सीरीज सर्किट में किस तरह करते हैं, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, करंट किस तरह डिवाइड होता है, वोल्टेज किस तरह डिवाइड होता है। तो इसमें और भी कई फैक्टर होते हैं, मान लो रेजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं किस सर्किट में, तो यहाँ पे वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब पूरा 9 वोल्ट नहीं आएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज भी कम आएंगे और हमारे पास करंट भी कम आएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास ये LED नहीं चलेगी।
अब मैं यहाँ पे एक और सर्किट बनाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 9 वोल्ट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 9 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं ये किसी सर्किट में, ठीक है, पूरा सर्किट आप 9 वोल्ट से चला रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप कोई 5 वोल्ट का एलिमेंट है आपने, वो भी इसी सर्किट में चलाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टर लगाएंगे, वो 5 वोल्ट का एलिमेंट लगा देंगे, जो भी हमने एलईडी हो गए जो भी चीज़ हम यूज़ करें 5 वोल्ट की, तो रेजिस्टर हम उसके मुताबिक उतनी वैल्यू की रेजिस्टर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ओम में होगी जितनी भी होगी, और फिर इसको हम ये कनेक्ट कर देंगे सर्किट में, तो ये हमारे पास सर्किट चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले थ्योरी किया करेंगे, थ्योरेटिकल इस तरह लेक्चर लिया करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल किया करेंगे। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले ये सेल दिखाया था, 3.7 वोल्ट का सेल है, इसका दोबारा एक बार वोल्टेज आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसका वोल्टेज चेक किया, ये हमारे पास 3.93 वोल्टेज दे रहा है, ठीक है। तब मैं इसके अंदर रजिस्टर ऐड कर देता हूँ, ये मैं रजिस्टर ले रहा हूँ, चलो 1K का रजिस्टर यूज़ कर लेता हूँ मैं। 1K का मैंने रजिस्टर लिया, एक मतलब 1 किलो का, 1000 ओम का या 1 किलो ओम का, ये मैंने रजिस्टर लिया। ये मैंने अब इसके साथ, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसमें ब्रेडबोर्ड यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल आपको हाथ से प्लेन सर्किट बनाकर दिखा रहा हूँ, तो अच्छी तरह आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। इसमें रजिस्टर लिया, मैं दोबारा वोल्टेज देखता हूँ कितना आता है। अब ये सर्किट कुछ इस तरह बन गया। पहले मैंने क्या किया था, ये मीटर है ना मेरे पास, मैंने इसको, इसकी जो 2 वायर्स हैं इनको मैंने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगा दिया था यहाँ पे। ये सेल है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको यहाँ सेल डायरेक्ट सेल से अप्लाई कर दिया था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दरमियान में यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया है 1 किलो का। अब मैं देखता हूँ कि मीटर पे रीडिंग क्या आती है। पहले तो हमारे पास आ रही थी 3.7, अब हम देखते हैं मीटर की रीडिंग पे क्या अफेक्ट होता है ये रेजिस्टर लगाने से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3.91 आ रही है, पहले हमारे पास कितनी थी 3.93 थी, अब 3.91। अगर मैं रेजिस्टर्स को बढ़ा देता हूँ, एक मैं यूज़ करता हूँ 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे वोल्टेज कितना आता है हमारे पास, तो ये देखें वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया हमारे पास, 3 वोल्ट हो गए हमारे पास, 3.1 वोल्ट दे रहा है हमारे पास। पहले हमारे पास 3.93 देर था, लेकिन जब भी मैंने ये रेजिस्टर लगा दिया ना सर्किट के अंदर, तो हमारे पास वोल्टेज देखें कितना ड्रॉप हो गया, हमारे पास वोल्टेज बहुत कम हो गया। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास वोल्टेज यहाँ से कम होकर आगे आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले सर्किट में कि जब हम रेजिस्टर लगाते हैं तो हमारे पास करंट भी कम हो जाता है उसमें, क्योंकि ये करंट को अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्टर, और ये वोल्टेज भी इसमें ड्रॉप हो जाते हैं। तो वो मैं दिखा रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है, ये मैंने आपको दिखाया कि पहले मैंने 1K का रेजिस्टर लगाया था, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो गया था, मतलब वोल्टेज थोड़े से कम हो गए थे। अभी मैंने 100 किलो का रेजिस्टर लगाया तो काफ़ी सारे वोल्टेज मतलब कम हो गए हैं। वैसे 3.93 वोल्टेज दे रहा था, लेकिन ये रेजिस्टर लगाने से हमारे पास सर्किट में वोल्टेज फ्लो कर रहे हैं, वोल्टेज आ रहे हैं वो 3 वोल्टेज तक चले गए, 3.05 तक चले गए थे, बहुत कम हो गए थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये करंट पे क्या इफेक्ट करता है ये रेजिस्टर। अब हम इसको एलईडी लगा के देखते हैं कि करंट पे क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर। अब हम इसको करंट पे सेट कर लेते हैं, ये अब मीटर के तौर पे काम करेगा हमारा ये मीटर। मैंने इसे करंट पे सेट कर लिया, तो अब हम देखते हैं कि इसमें एलईडी में से कितना करंट पास हो रहा है। ये कोई वाली कलर वाली एलईडी है, मैं दूसरी यूज़ करता हूँ वाइट वाली। लेक्चर बहुत लंबा और मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट करूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन करते करते बस टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया अभी। अब ये मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, ये इसमें करंट आप देख सकते हैं 90 कर लेते हैं हम, या 95 कर लें, चलो 95 mA इसमें करंट इस वक्त गुजर रहा है इस एलईडी में से। ये एलईडी ग्लो कर रही है, देख लें आप, ये मैंने वायर लगाई, ये मैं लगाया एलईडी ग्लो कर रही है, और इसमें से करंट कितना पास कर रहा है 95 mA भी मैंने सेट किया हुआ है ये मीटर, तो मिली एम्पीयर 96 या 95 mA इस वक्त करंट गुजर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट में रेजिस्टर ऐड करता हूँ। ये हमारे पास अब जो सर्किट बना था वो कुछ इस टाइप का था कि बैटरी होगी, यहाँ पे मैंने ये एलईडी लगा दी, एलईडी को मैं सिंबल से शो कर देता हूँ, असल में सही सिंबल होता है लेकिन आप बल्ब बना सकते हैं एलईडी का ये सिंबल होता है, इसलिए मैं एलईडी का सिंबल बना रहा हूँ। ये हमारे पास, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ मीटर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मीटर होता है वो सीरीज़ में लगाते हैं, तो ये हमने सर्किट में सीरीज़ के साथ लगाया हुआ, ठीक है। एक तार इधर जोड़ दी मीटर की, एक तार इधर जोड़ दी हमने, ये हमारे पास मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब देखी कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी कितनी आ रही है,
95 मिली एम्पीयर आ रही है, ठीक है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, वैल्यू मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 1K का पहले, चलो 10 किलो ओम का रजिस्टर मेरे पास, ये मैं 10 किलो ओम का मेरे पास रजिस्टर है, ये मैं इसमें जल्दी से ऐड करता हूँ इसको सर्किट में, मतलब इसे अटैच कर रहा हूँ मैं सीरीज़ में इसके साथ। ये समझ आ रही है आपको, ये देखें ये इस तरह हो जाएगा कुछ सर्किट, ये रजिस्टर से आ गई, ये LED यहाँ पे आ गई, यहाँ पे ये मीटर आ गया, मीटर की जगह आ गई, और यहाँ पे हम सेल लगा देंगे इस तरह, ये हमारे पास सर्किट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे और ये इस तरह, ये जिस तरह नीचे डायग्राम बनी हुई उसी तरह ऊपर ही मैं चीज़ें रख के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मीटर को आप यहाँ पर रख लो, अब अगर समझ नहीं आ रही तो ये सर्किट आपका वैसे बन गया, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको चलाते हैं और देखते हैं कब हमारे पास कितना एम्पीयर का करंट देता है ये। यहाँ पे मैंने ये लगाया, यहाँ पे नीचे दूसरा टर्मिनल लगाया इसका मैंने, ये तंग कर रहा है बार बार, ठीक है। और ये मैंने ये लगाई, तो अब आप देख सकते हैं तकरीबन कोई फ्रंट करंट बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है इसमें से, बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, और LED ग्लो नहीं कर रही, बहुत हल्की सी डिम सी आप देख सकते हैं, बहुत हल्की सी ग्लो कर रही है LED, 0.01 कोई एम्पीयर करंट, मिली एम्पीयर वो भी करंट गुजर रहा है। चलो मैं रेजिस्टेंस थोड़ी कम कर देता हूँ, मैं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगा दी मैंने, ये मैं 1 किलो के रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ जाएगा इस पर, देख लेंगे आप। पहले 1000 ओम की या 1 किलो की मैं रेजिस्टर लगाई, जल्दी से इसको मैं लगाता हूँ, कनेक्शन करता हूँ, यहाँ पर लगाया और ये मैंने टर्मिनल यहाँ पर लगाया, तो ये आप देख रहे हैं अब ये हल्की चल रही है, और करंट हमारे पास कितना फ्लो कर रहा है, 1.2 मिली एम्पीयर, देखें कितना फ़र्क पड़ गया, मतलब कितना करंट कम हो गया ये रेजिस्टर यूज़ करने से। वही मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ी बैटरी है तो हम अगर रेजिस्टर लगाते हैं तो आगे हमारे पास करंट कम फ्लो होता है, ताकि मतलब चीज़ ना चले, अगर बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की है तो हम रेजिस्टर लगाते हैं उसके अंदर, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जिसका रेजिस्टर लगाया तो करंट आप देख ले 1.2 मिली एम्पीयर, कितना फ़र्क है। पहले हमारे पास 95 मिली एम्पीयर था, जैसे हमने 1 किलो का रेजिस्टर, 1 किलो ओम का रेजिस्टर यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास करंट कितना होगा, 1.2 मिली एम्पीयर, अब डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 95 था और यहाँ पे कितना होगा, 1.2 मिली एम्पीयर, मतलब करंट हमारे पास बहुत कम हो गया, 1.2 मिली एम्पीयर करंट अब इस वक्त इस सर्किट में से पास कर रहा है, इस LED में से पास कर रहा है। और आप ब्राइटनेस भी देख सकते हैं, पहले कितनी तेज़ ग्लो कर रही थी LED, क्योंकि करंट तब उसमें ज़्यादा गुजर रहा था, करंट भी ज़्यादा गुजर रहा था, वोल्टेज भी सही आ रहे थे, पूरे आ रहे थे इसके पास। अब मैंने जैसे रजिस्टर ऐड किया इसका अंदर वोल्टेज भी थोड़े कम हो गए, और ये जो करंट होगा करंट भी देखें आप कितना कम हो गया, 95 मिली एम्पीयर जा रहा था करंट, अब 1.2 मिली एम्पीयर करंट गुजर रहा है इसमें से, तो LED भी बहुत हल्की ग्लो कर रही है, क्योंकि करंट कम फ्लो कर रहा है तो LED भी हल्की ग्लो कर रही है। ये कैमरे भी शायद बिल्कुल क्लियर ना दिख रही हो, लेकिन काफ़ी हल्की ग्लो कर रही है पहले इसकी नस्बत ये, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस भी कम हो गई है पहले से रजिस्टर ऐड करने से। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, तो अगर आपको कोई चीज़ अभी भी समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।